हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करेंगे खजूर, यानी खजूर जिसको हम सुपर फूड भी मानते हैं, उसको खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो खजूर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में ग्रो करता है, अरब कंट्रीज़ में, बट नाउ इट इज़ बीइंग ग्रोन इन मेनी अदर कंट्रीज़ और इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी है और काफ़ी लोग इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर फूड और एज अ पार्ट ऑफ देयर स्नैक्स। और खजूर काफ़ी पुराना फूड आइटम है और इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे मदजूल, भारी, दायरी, ये अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है और अलग अलग वैरायटी के खजूर भी अवेलेबल हैं। आपको सब जानकर ये हैरानगी होगी कि खजूर को बहुत पोटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। खजूर को एक पावर हाउस ऑफ एनर्जी मानते हैं। जब भी आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप कुछ खजूर को खा सकते हैं और आप खजूर आपको काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा बोला जाता है कि 100 ग्राम्स ऑफ खजूर आपको 300 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं और ये कैलोरीज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में हमको मिलती हैं, जो एनर्जी डेंस होता है। लेकिन इसके बावजूद इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं है, तो इट इज़ नॉट दैट हार्मफुल फॉर डायबिटिक्स एज कम्पेयर टू ईटिंग शुगर और आर्टिफिशियल स्वीट्स। उसके कंपैरेटिव में इट इज़ मच सेफर एंड बेटर। नाउ एक चीज़ और, नॉट ओनली खजूर कैलोरी डेंस है, इट इज़ ऑल्सो वेरी रिच इन पोटेशियम। पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी सहायक होता है। कंपेयर टू दैट इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है। खजूर का एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, खजूर इज़ वेरी रिच इन आयरन, स्पेशली जो ब्लैक खजूर है वो नॉर्मल खजूर से 10 गुना ज़्यादा रिच होता है आयरन में। एंड आयरन डेफिशिएंसी बहुत बड़ा कारण है एनीमिया का, स्पेशली इन फीमेल्स। तो अगर आप अपना हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आप काले खजूर का इस्तेमाल करें, ब्लैक कलर के जो खजूर है, दे आर वेरी रिच इन आयरन। नाउ खजूर इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर आवर बोन्स, क्योंकि ये सेलेनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, फॉस्फोरस से भी काफ़ी रिच है। तो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, आपकी बोन्स वीक हैं, ओल्ड एज है और आप चाहते हैं कि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप खजूर को भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। खजूर इज ऑल्सो फ्लेवोनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है, तो ये हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द स्किन एंड हेयर। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर अवर इम्यून सिस्टम, बिकॉज इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कैलोरीज हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारा इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। एक लंबे समय से खजूर को सेक्सुअल प्लेजर बढ़ाने के लिए माना जाता है कि खजूर खाने से हमारी सेक्सुअल लिबिडो बढ़ता है, पावर बढ़ता है। अभी तक इसके ऊपर कोई साइंटिफिक और वैज्ञानिक ऐसा कुछ नहीं निकला जिससे हम कह सकें कि खजूर से डायरेक्टली हमारे हार्मोन्स बढ़ते हों या हमारा लिबिडो बढ़ता हो, लेकिन ये बहुत एक प्रचलित कहावत है कि खजूर, खास करके दूध में अगर हम लेते हैं खजूर को, तो ये हमारा लिबिडो को बढ़ाता है। बट दैट इज़ समथिंग जो कॉमनली लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो खजूर इज़ ऑल्सो, अगर हम देखते हैं, खजूर ओवरऑल एक बहुत डेंस और न्यूट्रिशियस फूड है जो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, जो लोग ओल्ड हैं जिनको एनर्जी चाहिए, उन सब में आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग डायबिटिक्स हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, उनको खजूर को केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज़ और, खजूर क्योंकि फाइबर्स में रिच है, प्रीबायोटिक्स में रिच है, इसलिए यह हमारे गट के अंदर माइक्रोबैक्टीरियाज को, हेल्दी बैक्टीरियाज को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप डायबिटिक नहीं हैं या वेट लॉस नहीं करना चाहते, तो आप कुछ खजूर अपनी डाइट में डेली ज़रूर इंक्लूड करें। धन्यवाद।